गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं? चलिए आइए समझते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस आर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाती हैं, और ये वीक होती हैं इसलिए हम इन्हें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। और ये अट्रैक्शन होती कैसे है? दिस अट्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल में जो एटम है उसमें मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे मॉलिक्यूल का जो एटम है उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, और ये जो फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको आपस में खींच लेती है एक दूसरे की तरफ, और यही फोर्स वैन डर वाल्स फोर्सेस कहलाती है। हाँ, ये वीक होती हैं इसलिए इन्हें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोला जाता है। डिस्टेंस अफेक्ट्स देयर स्ट्रेंथ। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा वैन डर वाल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम है तो वैन डर वाल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है फोर्स की वो बढ़ जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस की, वैन डर वाल फोर्सेस कितने प्रकार की होती हैं। तीन मेजर कैटेगराइजेशन है। पहली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल टाइप वैन डर वाल फोर्सेस सेकंड टाइप की है, और तीसरी है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड की बात करें उसके अकॉर्डिंगली अगर इनको मैं कैटेगराइजेशन करूं तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वैन डर वाल फोर्स है वो हाइड्रोजन डिस्पर्शन बॉन्डिंग, सेकेंड नंबर पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और लंदन डिस्पर्शन फोर्स सबसे वीक होती है इन तीनों में से। तो एक एक करके समझते हैं। पहले डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस को समझते हैं। व्हेन टू पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट, जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस पैदा होती हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसको लेके मैंने वीडियो बनाया है कि डायपोल मोमेंट क्या होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आप चैनल में जाके देख लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, सारी चीजें समझ आ जाएगी। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें नेट डायपोल मोमेंट रहती है। तो जब ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस पैदा होती हैं। अगर हम बात करें, इट अकर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर मॉलिक्यूल है उसका एक एटम में मान लिया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा मॉलिक्यूल है उसके एटम में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एक दूसरे को खींचता है और वैन डर वाल्स फोर्सेस डेवलप होती हैं। डायपोल की वजह से डेवलप हुई तो इसको डायपोल डायपोल टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस बोला जाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सल्फर डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस का एग्जाम्पल है। जब ये दो सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हमने ले लिए, एक सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो लेफ्ट हैंड साइड है, हम देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और सल्फर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर के मुकाबले, तो जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन उसकी तरफ ज्यादा होगी कंपैरेटिवली सल्फर के मुकाबले। सल्फर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। अब ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एक दो पोल बन गए जिसको हमने बोलते हैं डाइपोल। जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएंगी, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा, और यही फोर्स डाइपोल डाइपोल टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स कहलाती है। अभी आप देखेंगे इसमें जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसने ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को पैदा किया, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर के मुकाबले, और जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में पास आते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस डेवलप होती हैं और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है और ऐसी चेन बन जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरीके से बंधते हैं इस डायपोल डायपोल टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स के जरिए। अब आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन डिस्पर्शन बॉन्डिंग को समझते हैं। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री, जो भी हमने पढ़ा
तीन कैटेगराइजेशन थी उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होती है, इट अकर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक मॉलिक्यूल है उसके एक एटम हाइड्रोजन का होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये जब हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब ये फोर्स डेवलप होती है और डायपोल ही डेवलप होता है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, जो अभी हमने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पढ़ा उसका एक टाइप है पर्टिकुलर टाइप, जिसमें एक एटम हाइड्रोजन का होता है और दूसरे मॉलिक्यूल में जो एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है या फ्लोरीन हो सकता है और ये हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। तो हाइड्रोजन डिस्पर्शन बॉन्डिंग एक तरह की डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का पर्टिकुलर केस है। अब देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसी का एग्जांपल है। वाटर मॉलिक्यूल में एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें H2O ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले। जब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करता है, ये देखिए, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले। ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, हाइड्रोजन के बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस ज्यादा है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब कि एक जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उनकी फोर्स जो इंटरेक्शन इंटरेक्टिव फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि वैन डेर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा होने की वजह से जो वैन डेर वाल्स फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और इसलिए ये सबसे स्ट्रांग होती हैं तीनों टाइप की वैन डेर वाल्स फोर्सेस के मुकाबले। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2। तो जो हमने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन अभी पहले देखा था उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम था, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसमें कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन के पास कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी हाइड्रोजन के मुकाबले, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के पास रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के पास रहेगा और एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डेर वाल्स फोर्स डेवलप होंगी और जिसकी वजह से इसको सबसे स्ट्रॉन्ग तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बना देंगी। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपस में एक लीनियर टाइप ऑफ बॉन्डिंग रहती है। देखिए ये एक अलाइनमेंट जो है पहले बॉन्ड की और दूसरा वैन डेर वाल्स फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में एक लीनियर 180 डिग्री आपको दिख रहा होगा, तो ये लीनियर बॉन्डिंग ही इसको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पैदा करती है जिसकी वजह से मैं पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डेर वाल्स फोर्स एक तरह का स्पेशल एग्जाम्पल है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अब समझते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑब्वियसली वैन डेर वाल्स फोर्स का ही एक टाइप है, लेकिन होती क्या है, इट इज द वीकेस्ट ऑफ थ्री, तीनों में सबसे कमजोर है। इट अकर्स बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब देखिए होती कैसे है, डेवलप कैसे होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल आई मीन टू से न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है एक तरह से अगर हम बात करें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड न्यूक्लियस, तो इसको एटम को एज ए होल नॉन पोलर बना देती है। किसी एक तरफ ज्यादा चार्ज नहीं है, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एज ए होल एटम को हम बोल देते हैं कि न्यूट्रल है, नॉन पोलर है। लेकिन एक चीज समझने वाली ये है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब कोई भी चीज रैंडमली मूव करती है तो ये चांस, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि कुछ टाइम ऐसा आएगा, कुछ मोमेंट ऐसी आएंगी जब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइवन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मूवमेंट। जब डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाएगी तो ये चांसेस होगा कि एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी तरफ कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो एक मोमेंट ऐसा आया कि लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गई, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गई। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन टेम्पररी है, तो इस ये जो डायपोल डेवलप होगा वो भी टेम्पररी होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट हैंड साइड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ये भी टेम्पररी है, एक एनी मोमेंट ऑफ टाइम, और इसी वजह से टेम्पररी डाइपोल डेवलप हो जाएगा। एटम अब पोलर बन चुका है बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर रैंडम मोमेंट। अब इसी पोलर एटम को किसी नॉन पोलर के पास ले जाया जाता है, नॉन पोलर आई मीन टू से उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूनिफॉर्म है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पॉइंट पे वो नॉन पोलर है और पोलर एटम को उसके पास ले जाया जाता है। अब देखिए पोलर एटम में लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज है और राइट हैंड साइड नेगेटिव चार्ज है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। तो ये जो राइट हैंड साइड नेगेटिव चार्ज है ये नॉन पोलर एटम के पास जब आएगा तो इसके लेफ्ट हैंड साइड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको ये रिपेल कर देगा, राइट हैंड साइड जाने की भेजने की कोशिश करेगा। और जबकि जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, नॉन पोलर एटम भी पोलर बन जाएगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और राइट हैंड साइड पार्शियल नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। अब देखिए एक पोलर एटम ने दूसरे नॉन पोलर एटम में चार्ज इंड्यूस कर दिया, उसको इंड्यूस डाइपोल बना दिया, इंड्यूस मतलब उसमें बिना टच किए उसको उसमें एक डाइपोल पैदा कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड एक एटम का लेफ्ट जो पार्शियल नेगेटिव है, राइट हैंड साइड के पार्शियल पॉजिटिव को एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगी, फोर्स डेवलप हो जाएंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरेक्ट करने लग जाएंगे, एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगी और इसी को लंदन डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं। तो दीस टाइप ऑफ फोर्सेस दैट इंड्यूस अ डाइपोल मोमेंट इन अनदर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स। एक एटम था, सबसे पहले वो नॉन पोलर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आया कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई तो वो एटम पोलराइज्ड हो गया, उसमें डाइपोल डेवलप हो गया, टेम्पररी डाइपोल, फिर से वो एज ए होल न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेम्पररी डाइपोल डेवलप हो गया। और जब यही एटम जिसमें टेम्पररी डाइपोल डेवलप हुआ है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के पास जाता है, उससे इंटरेक्ट करता है, तो उसमें भी वो डाइपोल इंड्यूस कर देता है, और यही इंड्यूस्ड डाइपोल फिर डेवलप होके आपस में इंटरेक्शन हो जाती है इन दोनों एटम्स के बीच में, और फोर्स डेवलप हो जाती है अट्रैक्शन की, जिसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं, और ये सबसे कमजोर फोर्सेस होती हैं तीनों में से। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ आया होगा। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है इट इंक्रीजेस डाउन द पीरियोडिक टेबल, कैसे? देखिए सबसे पहले ये समझते हैं, अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और रैंडमली रिवॉल्व कर रहे हैं, और एक प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएं किसी एटम में तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, रैंडम मूवमेंट उनकी हो रही है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है रैंडमली मूव कर रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि इनकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी हो जाएगी कंपैरेटिवली उस एटम में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो हम जैसे पीरियोडिक टेबल में किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, हैलोजन का एग्जांपल ही लेते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अगर फ्लोरीन एटम की बात करें उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 है, क्लोरीन में 17, ब्रोमीन में 35, आयोडीन में 53, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और उनकी रैंडम मूवमेंट तो हमेशा बनी रहती है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है रैंडम मूवमेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा जल्दी होगा, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यानी कि डाइपोल बनने के चांसेस इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में डाइपोल बनने के चांसेस बढ़ गए यानी कि वेंडेबल फोर्सेस डेवलप होने के, लंदन डिस्पर्शन फोर्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के चांसेस बढ़ गए। तो जब ऊपर से हम नीचे जाते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ने के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी दो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा हो गई तो इसका मतलब उनको तोड़ना मुश्किल है, उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हम देख सकते हैं एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा। फ्लोरीन गैस की अगर हम बात करें तो -188 डिग्री सेल्सियस है उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्लोरीन उसके नीचे है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ गया -34 डिग्री सेल्सियस, ब्रोमीन 59 डिग्री सेल्सियस और आयोडीन 184 डिग्री सेल्सियस। तो आपने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ गई, जिनके बीच में उनकी इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई तो हमें ज्यादा हीट करना पड़ा, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया उनको तोड़ने के लिए। तो एक तरह से ही कोरिलेशन है, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीजेस। और दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो मोलर मास
किसी मॉलिक्यूल का, वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर मोलर मास की बात करें फ्लोरीन गैस की, दैट इज 38 ग्राम पर मोल, क्लोरीन 71, ब्रोमीन 160 एंड आयोडीन 254। तो मोलर मास के बढ़ने से भी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मोलर मास बढ़ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है बिकॉज लंडन वैन डेर वाल्स फोर्सेस की अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है। तो एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल, लंडन डिस्पर्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। अगर हम एल्केन सीरीज की बात करें, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनका भी जो मोलर मास है वो बढ़ता जा रहा है मीथेन से पेंटेन की तरफ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है। तो हम देखेंगे अगर इनकी बॉइलिंग पॉइंट को एनालाइज करेंगे तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, मोलर मास इंक्रीजेस। सो मीथेन -164 डिग्री सेल्सियस, इथेन का -89, प्रोपेन का -42, तो अगर हम देखेंगे पेंटेन का सबसे ज्यादा है 36 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज क्लियर हो गई, लंडन डिस्पर्शन फोर्स उनका मैग्नीट्यूड बढ़ता है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, मोलर मास बढ़ता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पोलराइजेशन जल्दी होगी और लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा डेवलप होंगे। अब इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं जो हमने चीजें सीखी। वैन डेर वाल्स फोर्सेस आर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कमजोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल का एक एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा एटम जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो ये डेवलप होती हैं। क्यों डेवलप होती हैं? बिकॉज ऑफ द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। डिस्टेंस इनकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो लंडन वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डिस्टेंस अगर कम हुआ तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तीन टाइप की हमें वैन डेर वाल्स फोर्सेस देखने को मिलती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन जब इंटरैक्ट करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ तो ये फोर्स डेवलप होती है और ये स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। डायपोल डायपोल फोर्सेस, इट अकर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्पेशल केस है डायपोल डायपोल फोर्सेस का। फाइनली लंडन डिस्पर्शन फोर्स द वीकेस्ट ऑफ थ्री, इट अकर्स बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कैसे डेवलप होती है? एक एटम जो कि एज ए होल न्यूट्रल होता है लेकिन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम मूवमेंट की, इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मूवमेंट की वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, जिसकी वजह से उस एटम में पोलराइजेशन आ जाती है, वो डाइपोल बन जाता है। और जब उस एटम को किसी दूसरे नॉन पोलर एटम के पास ले जाया जाता है, बहुत सारे रीजन है, कैसे भी जा सकता है, ले जाया जाता है तो वो उसमें इंड्यूस कर देता है, उसमें पैदा कर देता है डाइपोल, इंड्यूस कर देता है अपने डाइपोल की वजह से। और ये सब चीजें टेम्पररी होती हैं और ये इंड्यूस डाइपोल जब डेवलप होता है दूसरे एटम में तो एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों डाइपोल्स में, दोनों एटम्स में डेवलप हो जाती हैं और यही इंटरेक्टिव फोर्सेस लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहलाती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों टाइप की फोर्सेज, वैन डेर वाल्स फोर्सेज आपको क्लियर हुई होंगी। अब छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, वैन डेर वाल्स फोर्सेज आर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, क्या वैन डेर वाल्स फोर्सेज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कहलाती हैं, ट्रू और फॉल्स? सेकेंड वन फॉर यू, लंडन डिस्पर्शन फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन डिस्पर्शन फोर्स। लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन डिस्पर्शन फोर्स के मुकाबले, ट्रू और फॉल्स? एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर यू, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ पोलराइजेशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं प्रोबेबिलिटी उसके डायपोल बनने की, पोलराइज होने की बढ़ती चली जाती है, ट्रू और फॉल्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the answers are, I hope students, ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Till then, goodbye, thank you very much and have a nice day.